बिल किस्बानो गैंग रेप केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 11 दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। वहीं अब हमेशा की तरह एक बार फिर इस मुद्दे पर राजनीति ने उफान मारना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि बिल्किस बानो ने न्याय के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि गुजरात राज्य ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया। बीजेपी सरकार में ही गुजरात में बलात्कारियों की मदद की जा रही थी। बीजेपी के 2 विधायकों ने इन बलात्कारियों की रिहाई का समर्थन किया था। यही नहीं, ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीएम मोदी की सरकार को बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने दोषियों को छोड़ा था, बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा। उस वक्त की बीजेपी की सरकार, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वो उन्होंने उन खातियों का साथ दिया था, उन रेपिस का साथ दिया था। बिल्किस बानो का रेप हुआ, उनकी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी, इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जब बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में, बड़ा ही खराब माहौल था। तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला। द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिटी विद द कन्विक्ट्स। तो मेरा डिमांड यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे, उनको अपोलोजाइज करे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने 11 दोषियों को दी गई छूट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने का कोई अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, रिहाई पर फैसले से पहले गुजरात सरकार को उसकी राय लेनी चाहिए थी। साथ ही जिस राज्य में आरोपियों को सजा मिली, उसे ही रिहाई पर फैसला लेना चाहिए था। दोषियों को महाराष्ट्र में सजा मिली थी, इस आधार पर रिहाई का आदेश निरस्त हो जाता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना। अदालत ने कहा कि 13 मई 2022 के जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को रिहाई पर विचार के लिए कहा था, वो दोषियों ने भौतिक तथ्यों को दबाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर हासिल किया था। बहरहाल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कांग्रेस और CPIM ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष को अब एक और मुद्दा मिल गया है, जिससे राजनीतिक भूचाल एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।